जल शहर के संपूर्ण तहसीलों में संविधान बचाओ देश बचाओ के तहत जानकारी दी जा रही है। उज्जैन जिले में आने वाली तमाम तहसीलों में इस समय अजाकस जिला उज्जैन के कार्यकारिणी मेंबर पदाधिकारी और स्थानीय रहवासियों की मौजूदगी में संपूर्ण उज्जैन जिले की तहसीलों में संविधान बचाओ देश बचाओ के तहत जानकारियां दी जा रही हैं और संविधान राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने को लेकर संविधान को जानने को लेकर जानकारी दी जा रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी भी पहुँच रहे हैं और संविधान को राष्ट्र के बारे में और संविधान और राष्ट्र के बारे में जान रहे हैं। कम संपादित किए जा चुके हैं और अब हमारा अगला कार्यक्रम है मापड़ोल में और मापड़ोल के बाद तराना और तराना के बाद जिला मुख्यालय में हमारा कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें 11 तारीख को महात्मा ज्योतिबा फुले प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम है और 13 और 14 तारीख को उज्जैन के मुख्यालय पर दावर चौक पर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा में हमारा कार्यक्रम है, जिसमें पूरे शहर में चल समारोह निकाला जाएगा 14 तारीख को धूमधाम से, जिसमें जिले के सारे पदाधिकारी और अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस तरह से बाबा साहब का जन्मोत्सव का कार्यक्रम 14 तारीख को समापन होगा और संविधान के पवित्र उद्देश्यों को लेकर जन जागरण समाज चेतना को बढ़ाने के लिए संविधान के बारे में समझाने के लिए लोगों को किया जा रहा है। सबसे पहले हम जो है 3 अप्रैल को 1 अप्रैल से हमने टावर से कोटी तक की यात्रा करी, जहाँ पर हमारे मुख्य रूप से ज्ञापन रैली और प्रदर्शन का आयोजन किया गया और उसके बाद 2 अप्रैल को जो है एट्रोसिटी एक्ट में जो हमारे अनुसूचित जनजाति के 22 शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसके बाद जो कारवा 3 अप्रैल को घटिया 2 अप्रैल को ही कारवा जो है घटिया तहसील के नजरपुर गाँव में गया, जहाँ रैली का भव्य रूप से स्वागत किया गया, वहाँ संविधान की शपथ दिलाई गई और 3 अप्रैल को घटिया तहसील में एसडीएम महोदय के माध्यम से झांकी और रैली का प्रदर्शन किया गया और पूरे गांव में रैली निकाली गई और फिर ज्ञापन दिया गया। इस तरह से 3 अप्रैल को ही हम जगोटी और खेड़ा खजुरिया में बाबा साहब की रैली का प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन दिया गया और 4 अप्रैल को घोसला में दिया गया और इसी तरह से 5 अप्रैल को जो है हमने उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।